भैया नमस्ते। विद्याभारती शिक्षण संस्थान, स्वामी विवेकानंद विद्या निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय मारवाड़ी नगर तिथि में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट गणित और प्रकरण परिमित संख्याएं प्रश्नावली 1.2 में संख्या रेखा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले संख्या रेखा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये संख्या रेखाएँ बनाई गई है, इसमें संख्या रेखा ये जीरो संख्या रेखा के बीच में जीरो बताया गया है। जीरो से दाएं ओर जो संख्या है वह धनात्मक है और जीरो से बाएं ओर की जो संख्या है वह ऋणात्मक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि दाएं ओर अपन चलते हैं तो ये बढ़ते क्रम में होता है, जिसे कहते हैं आरोही क्रम, और यदि हम बाएं ओर चलते हैं लेफ्ट साइड में तो ये अवरोही क्रम होता है, अवरोही क्रम घटता क्रम है। तो ये संख्या रेखा पर इस प्रकार दाएं और बाएं ओर के आधार पर अपन ने घटते और बढ़ते क्रम में देखा है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है, पहले का पहला भाग है 7/4। 7/4 को अपन संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं तो अपन ने ये संख्या रेखा प्राप्त की है, तो इसमें जीरो। अब 7/4 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, अर्थात ये प्लस की है, तो जीरो से दाएं ओर अंकित करेंगे 7/4। इसमें इसको अंकित किया तो इसमें पल समान दूरी पर अपन ने 7/4 सात भाग निकालना है, सात से अधिक, क्योंकि अंश सात है तो सात से अधिक कॉलम बनाना है समान दूरी पर। तो पहला भाग 1/4, दूसरा भाग 2/4, तीसरा भाग 3/4, चौथा भाग 4/4, अर्थात इसका आ गया 4/4 को हल किया तो 1 प्राप्त हुआ, और पांचवा भाग 5/4, छठा भाग 6/4 और सातवां भाग हुआ 7/4। तो इस प्रकार ये अपनी संख्या रेखा पर 7/4 अपन को प्राप्त हुआ, ये आंसर लिखा गया है। इसी प्रकार अपन अगला दूसरा भाग प्रश्न नंबर 1 का सेकंड भाग देखते हैं, -5/6। तो ये 5/6 अपन देखो, 5/6 के आगे माइनस है, अर्थात ये संख्या रेखा के किस ओर प्राप्त होगा, लेफ्ट साइड है, तो ये जीरो है, जीरो से ये लेफ्ट साइड में है। इसमें अपन ने प्राप्त किया अंश है इसमें 5-5, तो 5 का मतलब 5 कॉलम से अधिक ही बनाएंगे, कम नहीं। तो जीरो से लेफ्ट साइड में पांच कॉलम समान दूरी पर अपन ने बनाए हैं। पहले कॉलम पे लिखा अपन ने -1/6, दूसरे पे -2/6, 3 पे -3/6 और चौथे पे लिखा -4/6 और पांचवे पे लिखा -5/6। इस प्रकार अपन को संख्या रेखा पर लेफ्ट साइड में 5-5/6 प्राप्त हुआ। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड भाग हल किया। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू में देखिए, इसमें है -2/11 -5/11, इसके बाद है अपना -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो ये इसमें अंश है -9, अर्थात संख्या रेखा पर अपन माइनस की तरफ जीरो से लेफ्ट साइड में कम से कम 9 कॉलम बनाए, 9 से अधिक ही बनाए, कम नहीं। तो जीरो से माइनस लेफ्ट साइड में समान दूरी पर अपन ने 9 से अधिक कॉलम बनाए हैं। अब पहले कॉलम पे वैसे ही लिखेंगे -1/11, -2/11, तीसरे कॉलम पे -3/11, इस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे -4/11, -5/11, ये अपना आंसर प्राप्त हो गया सेकंड आंसर। पहला आंसर अपन ने प्राप्त कर लिया था -2/11 यहाँ पर, इसके बाद दूसरा आंसर प्राप्त किया, इसके बाद थर्ड, आगे अपन चलते हैं -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, ये थर्ड आंसर अपन को प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमने माइनस वाली जो परिमित संख्याएं वह संख्या रेखा पर प्राप्त की है। इस प्रकार हम अगला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, उसको हम हल करते हैं। तो देखिए,
इसको थर्ड क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसमें पूछा गया है, इसमें यहाँ पर ये क्वेश्चन की लाइन है, निम्नलिखित संख्याएं को जो 2 से छोटी है उसको संख्या रेखा पर अंकित कीजिए, निरूपित कीजिए। तो 0 से और 2 के बीच में 5 छोटी परिमेय संख्याएं लेना है। तो 2 से छोटी लेना है अर्थात हंस अपन को हर लेना है 3, और 5 छोटी परिमेय संख्याएं लेना है अर्थात 5 से अधिक कॉलम बनाए, कम नहीं, समान दूरी पर 5 से अधिक कॉलम बनाए। तो समान दूरी पर पहले कॉलम पे लिखा 1/3, दूसरे पे 2/3, तीसरे पे 3/3, 3/3 का मतलब है 1, फिर चौथे कॉलम पे 4/3, 5/3 और 6/3, 6/3 का मतलब 2। अब 2 से 0 के बीच में अपन गिनते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं अपन को प्राप्त हुई, अतः अपन लिख पाएंगे, अतः 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1/3, 2/3 और कोमा 1। इसके बाद 1 किसका प्राप्त हुआ, 3/3 का, इसके बाद 4/3, इसके बाद अगला 5/3। इस प्रकार अपन को 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई है। इस प्रकार अगला क्वेश्चन है 4-2/5 और 1/2 के मध्य की 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 10 परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले दोनों जो परिमेय संख्याएं हैं इसके हर समान करेंगे। इसमें पहली परिमेय संख्या में हर 5 है, दूसरी परिमेय संख्या में 2 है, तो इनके हरों का एलसीएम लेंगे, अर्थात दोनों का हर अपन ने 10 बनाना है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 10 आता है। तो अपन ने 5 हर को 10 से 10 में भाग देना है, तो 5 का भाग 10 में दिया, 2 बार 2 को अंश और हर से इंटू किया, तो -2×2 बराबर -4/10 हो गया। और इधर 1/2 को अपन ने इसी प्रकार 2 को 10 में डिवाइड किया, तो कितनी बार, 5 बार, तो 2 को 5 से इंटू किया, इधर 1 अंश को 5 से इंटू किया, तो इधर 5 = हो गया अपना 5/10। तो इस प्रकार दोनों के अंश, दोनों के हर अपन ने 10 प्राप्त कर लिए। अपन इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं, तो इसके बीच में 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त नहीं होती है, कम प्राप्त होती है, इसलिए अंश को 10 की जगह आगे और बढ़ाएंगे। तो 10 को अपन आगे बढ़ाते हैं, तो 10 को 2 से इंटू करते हैं, इधर भी 10 हर को 2 से इंटू करते हैं, तो हर को 2 से इंटू करते हैं, तो अंश को भी 10 से 2 से इंटू करेंगे, तो -4×2 को किया, तो -8/20। इस प्रकार इधर भी 2 से दोनों को इंटू किया, अंश व हर को, तो 5×2=10, इधर 10×2=20। अब यहाँ पर दोनों के हर 20-20 प्राप्त हो गए अपन संख्या रेखा पर। अब -8 से और इधर +10 तक अपन समान कॉलम बनाकर अपन इनके बीच की परिमेय संख्या लिखेंगे। तो अपन दाएं ओर चलते हैं, -9/20 -8/20 -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 और इसके बाद फिर 1/20 प्लस का इत्यादि। इस प्रकार हम 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, 10 से भी अगर आगे अपन चाहें तो आगे भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार हमने आज चार क्वेश्चन हल किए। इन चार क्वेश्चन को आप गृह कार्य में हल करेंगे। थैंक यू।